बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें अहम फैसला लेते हुए 2016-17 के लिए सरकार ने 21,253,000 करोड़ रुपए के ऋण उगाही के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का फैसला सरकार ने लिया है। वहीं बंद पड़ी 8 चीनी मिलों को गन्ना आधारित उद्योग के रूप में दोबारा शुरू करने या अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने टेंडर निकालने का फैसला भी लिया है। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ्री वाईफाई सेवा के लिए मंजूर 1,85,00,000,00,000 की राशि बढ़ाकर 2,20,00,00,000,00,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल 15,951.36 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 20,476.60 करोड़ रुपए एवं उदय स्कीम के अंतर्गत नॉन एसएलआर बॉन्ड्स द्वारा 777.27 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।